subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. आज ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान सुरू। नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात वैक्सीनेशन अभियानला गति देण्यासाठी 45 वर्षाच्या वरील नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये व सुलभरित्या होण्याचा हेतू समोर ठेवत ड्राइव इन वैक्सीन ची सुरुवात आज वाशी येथील इनऑर्बिट मॉल व सिऊड येथील ग्रँड सेंट्रल मॉल या ठिकाणी 45 वर्षाच्या वरील नागरिकांना लसीकरण या ठिकाणी करण्यात आले। पहिल्या 50 गाड्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्या 45 पेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना लस देण्यात आली। दुपारी 1 ते 5 वाजेपर्यंत नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले। यावेळी नागरिकांनी पालिकेच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले। पहिली बार नवी मुंबई वासी में ये गाड़ी में वैक्सीनेशन चालू हुआ और ये बहुत अच्छा लगा हमको। सब कुछ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड सब सिस्टमेटिक है। हमको बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली फायदा होगा। थोड़ा टाइम लेके आके इधर आके वैक्सीनेशन लेने से डेफिनेटली फायदा होगा। और हम बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था की गई है NMMC की तरफ से या मॉल की तरफ से, बहुत अच्छी तरह से इनको मैनेज किया गया है और जो वैक्सीनेशन है बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है। मुझे किसी भी प्रकार की यहाँ तकलीफ नहीं हुई और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पीछे भी जो आएंगे उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। या मैंने सबसे पहले मेंशन किया है नगर पालिका NMMC एंड इन ऑर्बिट दोनों को मेंशन किया मैंने और दे हैव डन वेरी नाइस जॉब। लई चांगला खेला है, गाड़ी मध्य बसून वैक्सीन देते थे, उतरायचं नाही, सोण्याचा एकदम सुरक्षित है आणि लई चांगला खेला है। असा जास्त ना जास्त असा प्रोग्राम करा ताकि सगळ्यांना लाभ भेटणार। आम्ही नवी मुंबई महानगरपालिकेचे खूप आभारी आहे। नक्की होणार कारण कोणाच्या संपर्क मध्ये नाही येणार ना, तो एकदम सुरक्षित राहणार। तो जर्नलिस्ट सुमित्रासह प्रिया जोशींचा रिपोर्ट, नवी मुंबई। सबस्क्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकॉन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।